इंडस्ट्री में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक अलग ही नाम और रुतबा है। अमिताभ अपनी लग्जीरियस लाइफ के चलते हमेशा ही लाइमलाइट में रहते हैं, तो वहीं अपनी दमदार एक्टिंग के लिए एक खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। जहां एक ओर अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम है, तो वहीं दूसरी ओर है सदाबहार एक्ट्रेस रेखा। रेखा ने अब तक बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। अपनी खूबसूरती और अपनी एक्टिंग के जरिए हर किसी को दीवाना कर देती हैं। जहां एक ओर रेखा है, तो वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन। जब भी दोनों की बात होती है, तो दोनों की लिंकअप की खबरें भी सामने आ जाती हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब रेखा और अमिताभ के लिंकअप की खबरें जोरों शोरों से हुआ करती थी। दोनों ने साथ में मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, दो अनजाने, नमक हराम, मुकद्दर का सिकंदर जैसी कई फिल्मों में साथ में काम किया, लेकिन कभी भी दोनों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। जहां एक ओर अमिताभ और रेखा के प्यार के चर्चे हुआ करते थे, तो वहीं इंटरव्यूज में अक्सर अमिताभ और रेखा से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछा जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि एक बेहद पुराना इंटरव्यू सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब सिमी ग्रेवाल के शो में अमिताभ बच्चन पहुंचे, तब अमिताभ बच्चन ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए। अमिताभ बच्चन ने अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए रेखा के साथ रिश्ते को लेकर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिमी ग्रेवाल ने अपने शो में अमिताभ बच्चन से एक सवाल पूछा कि एक बात जो हर दूसरे साल सामने आती है, वो है आपका और रेखा का अफेयर ऐसा क्यों होता है और लोग क्यों ऐसी बातें उछालते हैं। अमिताभ कहते हैं, ये उन लोगों से पूछिए जो जानबूझकर उछालते हैं। इतना ही नहीं, सिमी ग्रेवाल ने अमिताभ बच्चन से कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या आप दोनों कभी एक दूसरे से मिले, तब अमिताभ कहते हैं, वो मेरी साथी कलाकार थी, मेरी को स्टार थी, और जब हम साथ में काम करते हैं तो जाहिर है कि हम मिलेंगे भी। सामाजिक नजरिए से देखा जाए तो हम दोनों के बीच कुछ भी एक जैसा नहीं है, बस इतना ही है। इसके अलावा सिमी ग्रेवाल ने पूछा कि आप लोग एक दूसरे से कब से नहीं मिले। अमिताभ कहते हैं, सालों से। मेरा मतलब है कि कभी कभार हम किसी अवार्ड फंक्शन में या फिर किसी दूसरे समारोह में टकरा जाते हैं, बस इतना ही। सिमी ग्रेवाल के सवाल यही नहीं थमे। उन्होंने आगे पूछा कि जब आप लोगों ने साथ में काम करना बंद किया, तब से आप लोगों के बीच कोई बातचीत हुई या फिर नहीं। अमिताभ कहते हैं, नहीं, हमने सालों से साथ में काम नहीं किया। और इस तरीके से अमिताभ ने कई सवालों के जवाब दिए। इसके अलावा अमिताभ ने मुलाकात को लेकर कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद उनकी रेखा से कोई मुलाकात नहीं हुई। और इस तरीके से अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ रिश्ते को लेकर कई बड़े खुलासे किए। आज के दौर में रेखा और अमिताभ अपनी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं और हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन आज पूरा देश अमिताभ बच्चन और उनके पूरे परिवार को लेकर सलामती की दुआएं मांग रहा है। अमिताभ बच्चन के परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सदी के महानायक खुद कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, जिसके चलते सभी फैंस उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।